दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत बड़ी सीख देने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, परिस्थितियाँ कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। दोस्तों आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। दोस्तों इस पर एक स्टोरी हम आपको बताते हैं। दोस्तों पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार पैसा लौटा नहीं पा रहा था। दोस्तों व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी, साहूकार चरित्र का ठीक आदमी नहीं था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। दोस्तों साहूकार ने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। दोस्तों सच ही कहा गया है, मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी, साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे, पहला या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, दूसरा साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसके पिता स्वतंत्रता से रह सके। दोस्तों अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। दोस्तों अक्सर सुनने में आता है कि परेशानी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग को पानी की तरह रखना चाहिए, एकदम निर्मल, शांत और हमेशा चलते हुए। पानी को आपने देखा ही होगा, वो हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेती है, ठीक वैसे ही बन जाओ। दोस्तों अब देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की आंख बंद करके उस थैले से कोई एक गोली निकालेगी। अगर गोली काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से शादी नहीं करेगी। दोस्तों साहूकार तुरंत बात मान गया और तुरंत एक थैला लेकर आ गया। अब जब वह थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी है। दोस्तों अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे, साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरे किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। दोस्तों लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसने गोली को हाथ से छोड़ दी और गोली एक नाले में जा गिरी। दोस्तों लड़की ने बोला, माफ करना, गोली मेरे हाथ से फिसल गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। दोस्तों व्यापारी थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बड़ा खुश हुआ, बोला, बेटी थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। अब दोस्तों साहूकार बेचारा क्या बोलता, अगर बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस तरह पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें या सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरे समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए,
घबराना नहीं, उन परिस्थितियों का सामना करना, उनसे पीछे मत भागना, क्योंकि लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। धैर्य रखना हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, इस तरह के और इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहे। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।